अवर चैनल विच इज पीपी ब्लॉग और मैं हूँ प्रियंका फिर से आप सभी के साथ। और आज का वीडियो फिर से खास होने वाला है क्योंकि आज फिर से हम लेकर आए हैं होली रेसिपी। और कहते हैं ना, किसी भी त्योहार का मजा, कोई भी त्योहार मीठे के बिना पूरा नहीं होता है, है ना। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज की जो डिश है वो एक मीठी स्वीट डिश की रेसिपी है और ये रेसिपी हमारे साथ शेयर करने हमारे चैनल में जुड़ रही हैं अंजना अग्रवाल जी। तो अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स। अंजना जी, आज आप बताइए सबसे पहले तो कौन सी डिश आप बनाने वाली हैं? आज मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों इंस्टेंट क्षीर कदम। स्वीट डिश है। आप 15 से 20 मिनट में आधा किलो मावा से आप आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सुनने में ही नाम में ही इसका नाम जो है वो इतना इंटरेस्टिंग है, तो अब इंतजार नहीं हो रहा मुझे भी इस डिश को सीखने में। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं क्षीर कदम बनाना। तो आप पहले बताएं हमें किस किस इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी इस रेसिपी के लिए। इसके लिए, इस क्षीर कदम के लिए हमें चाहिए खोआ, नारियल चूरा, पिसा हुआ शक्कर, अंगूरी रसगुल्ले और सजावट के लिए टूटी फूटी। और बस 5 से 6 मिनट के लिए हमें गैस ऑन करना रहेगा सिर्फ खोआ सेकने के लिए। बस अपने को गैस ऑन करना है और जो मावा अपना है उसे 5 से 6 मिनट बस थोड़ा सा सेकना है, हल्का गोल्डन ब्राउन होते तक के। हाई फ्लेम में नहीं सेकेंगे आप, मीडियम हाई में रखेंगे गैस का फ्लेम। खोआ जब सीख जाएगा तो वो पैन अपने आप छोड़ने लगेगा, ये इंडिकेशन है कि आपका खोआ अच्छे से सीख गया है। खोआ जब अच्छे से सीख जाएगा तो उसमें अच्छी सी एक खुशबू आने लगेगी, इससे भी अपने को पता चल जाएगा कि खोआ अच्छे से सीख चुका है। सिर्फ खोआ सेकने में जो टाइम लगता है दोस्तों वही टाइम लगेगा, बाकी ये चीज़ जब बनना स्टार्ट होगा तो आप कहेंगे वाकई बहुत ही इंस्टेंट चीज़ है ये, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब खोआ अच्छे से सिक चुका है, इसने पूरा कढ़ाई छोड़ चुका है। अब इसको हम गैस ऑफ करके इसको 15-20 मिनट ठंडा होने देंगे। बस 2-3 ड्रॉप लेमन येलो कलर आपको डालना है खोए में। बस अब इसे प्लेट में पलट के अपने को क्षीर कदम बनाना है। जैसा अपना आटा रहता है ना पूड़ी वगैरह का, उस कंसिस्टेंसी में अपने को खोआ का ये रखना है, सिका हुआ खोआ कलर डालने के बाद। और जब बिल्कुल ठंडा हो जाए 2 टेबलस्पून पिसा शक्कर डालेगा। मावा सेकने के बाद आप इसे कहीं भी बैठ के आराम से बना सकती हैं। बस 5 मिनट का आपको गैस की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद कोई गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ये मेरा मावा तैयार हो गया है और इसमें मैंने हल्का सा लेमन येलो डाली हूँ। बस इसको आप हाथ में लीजिए ऐसा, और अगर आप कटोरी बना सकती हैं तो कटोरी बनाइए, अगर कटोरी बना के नहीं बन पाता आपसे तो बस आप ऐसे ही लीजिए, उसको प्रेस करके एक
पूड़ी जैसा हाथ से बनाइए और उसके बाद उसमें एक रसगुल्ला रखिए और फिर उसको कवर अप कर दीजिए। हल्के हल्के हाथ से आपको दबाते हुए इसको एक गोल शेप देना है। ऐसा गोल शेप आ जाए उसके बाद, ये भी ऑप्शनल है, आप इसको नारियल चूरा लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, अगर ऐसे भी रखें तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये अगर आपने मावा अच्छे से सेके हैं तो ये आराम से आप 10 से 15 दिन बिना फ्रिज में रख के भी, बाहर रख के आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये इंस्टेंट डिश है, बहुत जल्दी बन जाता है, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत पसंद करेंगे। हाँ, और ये टूटी फूटी जो मैं लगा के दिखा रही हूँ ये ऑप्शनल है, अगर आप आपके पास अभी उस समय उपलब्ध नहीं है तो आप यूं ही इसको रख सकते हैं। आप टूटी फूटी की जगह बादाम, पिस्ता, कोई ड्राई फ्रूट्स कुछ भी लगा सकते हैं आप। ये देखिए, आप बिना खोबरा लगाए सिर्फ बादाम लगा के भी इसको यूज़ कर सकते हैं और सादा भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। आप टेस्ट करके बताइए जो मैंने डिश बनाई है कैसी लगी आपको। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये मिठाई दिखने में इतनी खूबसूरत है कि बिल्कुल अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, और मीठा तो मुझे बहुत पसंद है और आप में से बहुत से लोगों को मीठा बहुत पसंद होगा, तो अब मैं देर नहीं करती हूँ, सबसे पहले टेस्ट करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि मिठाई कैसी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही टेस्टी मिठाई अंजना जी ने बनाई है जिसका नाम है शीर कदम, जो नाम में भी खास है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप लोग ये जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी मिठाई है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा मीठा नहीं है, बहुत जो लाइट मीठा खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी ये मिठाई बहुत टेस्टी है। तो इस बार होली में आप ये नई मिठाई जरूर ट्राई करिए और अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स को खिलाइए, आपको बहुत वाहवाही मिलेगी। तो अंजना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने इतनी अच्छी अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर की, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप और कुछ नई रेसिपी लेकर हमारे चैनल में जुड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका, मैं जरूर जुड़ना चाहूंगी आपके चैनल में। तो पीपी ब्लॉग देखने वाले सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि यदि आप भी अपनी कोई डिश हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे चैनल में भेजना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आखिरी में नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो आप सभी को एक बार पीपी ब्लॉग के परिवार की तरफ से हैप्पी होली।